तो आज दावत है हमारे रोटी खाने। ये रेड कढ़ाई है, ये वाइट कढ़ाई है, ये ब्रोस्ट है, ये रोटी है, ये पानी है, ये केचप है, ये मेहमान खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। और ये देख लीजिएगा, हम लोग ये ब्रोस्ट खा रहे हैं अभी। इसका यूट्यूब का शौक है, रोटी छोड़ के वीडियो बना रहा है, जाने बोलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मेरशा गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, वहाँ पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जलसा जो है मुनक़द किया गया है। तो मैं गाड़ी में पेट्रोल कम था, वो भरवाने गया था। अभी माशाल्लाह जा रहे हैं गांव की तरफ, इंशाल्लाह वहाँ पे इरादा है बाइक के ऊपर निकलेंगे या गाड़ी के अंदर, तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप व्यूज देख सकते हैं, ये सुबह का टाइम है माशाल्लाह। ये गांव का जो है लोकेशन आप देख सकते हैं। कभी भी विलेज के अंदर से जब गुजरो तो गाड़ी को कभी भी स्पीड से मत चलाना, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मवेशी है, गायें फिर रही हैं वो रोड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव पहुँच चुका हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है मेहमान बंदे बैठे हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे गांव में आया है मच्छी फरोश, तो मच्छी बेचने वाला है, हम देखते हैं उससे आज मच्छी इंशाल्लाह पकाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ पड़ोस में किसी काम से, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे जो है गलियाँ और घर वगैरह कच्चे मिट्टी के घर हैं माशाल्लाह। ये परिंदा देख सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत जो है फूल लग चुके हैं इसके अंदर माशाल्लाह। ये कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं, खेत वाला चिल्ला रहा है इसके अंदर, इसके खेत के अंदर इनके मवेशी जो है अंदर जा चुके हैं। तो मैं अभी दौड़ता आया हूँ, इसलिए बहुत ही सांस फूली हुई ख़त्म होने जा रही है। ये बंदे जो है कुछ गपशप लगाकर साथ में जो है तरबूजा खा रहे हैं, तरबूजा जो है लाल है माशाल्लाह, क्या टेस्ट है माशाल्लाह। ये बंदा ऐसा देखता है ये भी खड़ा है। मैंने पहले आपको बताया था हम जा रहे हैं मेलशाह गाजी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इन आने वाले जो है व्लॉग में कोशिश करेंगे कि वहाँ दरबार पे जाएं और उसकी जो है वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर से आगाह दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने शहजाद भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।